हमारे लिए मेटर्निटी रूम तो ये पहले बुक करवाना होता है एक्चुअली में, दो महीने, एक दो महीने पहले बुक कराना होता है। तो ये है कौन सा रूम है? ये इनका सुपीरियर रूम है। हाँ। और सही है, काफी अच्छा है। ये यहाँ पे रिक्लाइनर की फैसिलिटी दे रहे हैं इसमें, सुपीरियर रूम में। ये प्रेसिडेंशियल स्वीट है, हमने आपको बाकी भी दिखाए होंगे ना प्रेसिडेंशियल, वो होटल वाले, ये वो वाला नहीं है, ये होटल वाला नहीं है। ये सोफा कम बेड है। हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब? न्यू ब्लॉग, न्यू शुरुआत, और हम गाड़ी में हैं। यस अगेन हम जा रहे हैं कहीं विजिट करने, और आपको मैं बताना चाहूंगी हम कहाँ विजिट करने जा रहे हैं। पर कैप्शन तो पढ़ी लिया होगा राइट? आपने कैप्शन तो पढ़ी लिया होगा। हम जा रहे हैं मेरे लिए हॉस्पिटल देखने, जहाँ पे डिलीवरी के टाइम पे हमने एडमिशन लेना है। राइट, डॉक्टर ने हमें बोल दिया कि जाइए हॉस्पिटल सर्च करिए, देख के आइए, एक दो हॉस्पिटल सर्च करो, फिर बुकिंग करा लेना जहाँ पे भी आपको पसंद आए। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पे जीके में है अपोलो क्राडल, वहाँ पे देखने। वहाँ पे पहुँचते हैं तो आपको बताते हैं कि उनके क्या रूम रेंट्स एंड ऑल है, क्या चार्जेस एंड ऑल है, और हम बुकिंग कराते हैं वहाँ पे या नहीं। अभी दूसरा हॉस्पिटल भी हमने देखना है, तो वो शायद हम कल जाएंगे। वो भी जीके में ही है कहीं। और हॉस्पिटल कौन सा? वो है लाफे में, फोर्टिस लाफे में। अच्छा, तो दोनों ही बेसिकली मेटर्निटी हॉस्पिटल्स हैं और चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स हैं। तो पहले पहुंचते हैं अपोलो पे, और कल जाएंगे अब हम लाफे में पे, फोर्टिस। तो सारा ब्लॉग देखना आप लोग, ठीक है? ये रहा जी अपोलो क्राडल, अंदर चलते हैं और आपको सारी डिटेल्स बताएंगे। ये रूम है सिग्नेचर रूम है अपोलो क्राडल का। वो सोफा कम बेड है, ये देखो जी, अपोलो से आने के बाद मैंने आपको बताया था, मैं आपको सारे पैकेजेस बताऊंगी। ये हैं इनके अपोलो हॉस्पिटल्स के। पहला है इनका ये वाला लग्जरी रूम, जो कि हमने देखा नहीं था, हमने सिग्नेचर रूम का बोला था इनको देखने के लिए। तो ये है 255K प्लस ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स एक्स्ट्रा। तो ये रहा जी, अगर आप अपना बच्चा यहाँ पर करवाते हो तो आपको ये पड़ेगा 255K का, है ना जी दुआ जी? हाँ। और बाकी ये जो इनके छोटी छोटी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक्सक्लूजन्स क्या क्या है पैकेज में, इंक्लूजन्स क्या क्या है, ये सब होता है। ये है जी, एक स्कैन कॉपी मिलेगी, क्लासेस चल रही हैं, बेबी शावर के छोटे से फुटेज एंड ऑल मिलेंगी, केक कटिंग होगा, डोर डेकोर होगा, कार डेकोर होगा, गिफ्ट मिलेगा, ये वो सारी एक्स वाई जीज हैं ये सारे। तो ठीक है, सही है, अभी देखते हैं हम क्या डिसाइड करते हैं। हेलो जी, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। और व्लॉग की शुरुआत करने जा रहे हैं, और मैं आज आपको बताना चाहूँगी आज हम कहीं जा रहे हैं। यू नो, इससे पहले वाले व्लॉग में मैंने आपको एक हॉस्पिटल का शूट दिखाया था, जो कि था अपोलो क्राडल। और आज हम एक दूसरा हॉस्पिटल अपने लिए देखने जा रहे हैं, जो कि है लाफेमे, फोर्टिस लाफेमे। ये है GK2 में, और मतलब काफ़ी अच्छा है, काफ़ी नोन टू है, सुना हुआ है बहुत ज़्यादा। और हमारे किसी और रिलेटिव्स ने भी वहाँ पे मतलब अपनी बेबी की डिलीवरी वहाँ पे करवाई थी, तो सुनने में आया है काफ़ी फैसिलिटीज़ अच्छी हैं। तो वहाँ पे देखने जा रहे हैं और उसका रिव्यू करेंगे, और आपको उसका भी बताएंगे कि क्या क्या है, कैसे कैसे रूम्स हैं, क्या पैकेजेस हैं, एवरीथिंग, सब कुछ आपको बताएंगे। ब्लॉग में बने रहो। फिलहाल बाहर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि बाहर क्या हो रहा है। दुआ जी भी बाहर है और पापा भी बाहर है, पापा का लंच टाइम हो गया है। सो लेट्स गो एंड लेट्स सी कि वो लोग क्या कर रहे हैं। तो ये देखो जी, ये दुआ जी कर क्या रहे हैं? What is he doing? ओह अच्छा, पापा से मिलने आए हो। पापा से मिलने आए हो आप? Yes. Good. अजी की हाल है? ठीक हो? हाथ मिलाओ। और कुछ? बढ़िया। पापा को बताया आपने?
आज असी जा रहे हैं एवी ते बैवी कितने जा रहे हैं पता है? दो महीने बाद आने वाला ना बेबी तेरा पोता है पोती आने वाले ना तो उधर वास्ते हॉस्पिटल बुक करने जा रहे हैं कि केड़े अस्पताल से लेके जावा गे ए फूड होंदा है पापा ने पूछो केड़े अस्पताल लेके जाना है बैग किथे होए सी बैग तो कमला नगर होए सी ना है ना केड़ा अस्पताल सी हो लाकी दा उधर याद है सोदी नर्सिंग होम याद है वह होए सी तो फूड ए वाला किथे होएगा फूड सोदी दा बंद हो गया होगा नहीं चलता अस्पताल जाके देख रहे अज देख रहे कि कमरा सा सब तो वधिया है सारे को जाके गल कर लिया पैसे पैसे की है ना जाके बुक करके आने फिर ठीक है तो फिर रोटी सोटी खाओ थोड़ा बॉडी शॉडी बढ़ाओ जिम जाओ थोड़ा ठीक है चलो हम चलते हैं yes. और आपको दिखाते हैं कुछ ऑप्शंस जो कि हमारी डॉक्टर ने रिकमेंड किया है यहाँ पे yeah. जहाँ पे वो डॉक्टर बैठती है ऐसा होता है कि हमारी मर्जी नहीं चलेगी yeah. कि हम कहाँ जाना चाहते हैं ऐसे बहुत सारे भी देखनी पड़ती है। जो हमारी डॉक्टर है वो कहाँ कहाँ पे बैठती है कहाँ कहाँ पे जाके केस करती है वो देखना होता है तो डॉक्टर ने हमारे को 5-6 ऑप्शंस दिए हम सारे जगह जा रहे हैं उनमें से कल तो हम देखा है ना अपोलो का एक देखा है बट अब देख तो हम फिलिस भी चुके हैं पर फिलिस की वीडियो नहीं बनाई फिनिक्स की हमने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि हमें कुछ खास पसंद नहीं आया हाँ बट हम आज तो क्योंकि फिनिक्स तो हमारे घर से 500 मीटर की दूरी पे है सॉरी 200 मीटर या 300 मीटर है बट स्टिल हम जा रहे हैं अब GK2 देखें GK2 इज एक अस्पताल है बड़ा मशहूर है चलो रेडी होते हैं और खाना वाना खा के रेडी होते हैं फिर चलते हैं चलते हैं आपको फिर कंपेयर करेंगे दोनों में से कौन सा बुक करवा लें वही ठीक है एक बात और बता दूँ मैं कि आप किसी भी अगर आप भी प्लान कर रहे हो ना आप ऐसे हॉस्पिटल वगैरह तो अगर आपके पास मेडिकल इंश्योरेंस है तो मैं आपको बता देता हूँ कि मेडिकल इंश्योरेंस में गिनती की एक या दो ऐसी कंपनी है जो आपको मैटरनिटी का सिर्फ 50-60 हज़ार रुपये देती है अदरवाइज कोई सी भी कंपनी नहीं देती तो आप सोच समझ के करवाना अगर आप इस मकसद से करवा रहे हो तो पहले ही बता देता हूँ वो आपको झूठ बोल के बेच सकते हैं बट होगा नहीं क्योंकि हमें भी ऐसी लगाया था टाँका तो लग गया हमारा टाँका तो अब और दूसरी चीज़ को बताता हूँ कि हर हॉस्पिटल के पॉलिसी वाले रेट इंश्योरेंस के रेट और कैश पेमेंट के रेट अलग होते हैं तो हम दोनों जाके कंपेयर करेंगे और देखेंगे पॉलिसी तो मतलब ही नहीं है नहीं वो भी पूछ लेंगे वो भी पूछ लेंगे बट उसके हमारे लिए तो मतलब है नहीं पर लोगों को दिखा देंगे कि पॉलिसी के रेट ये है और अगर आप कैश पेमेंट करते हो तो उसके रेट ये तो चलते हैं रेडी ओके मतलब कि आई कांट इवन बिलीव कि ये सब भी करना पड़ता है पहले तो नहीं होता था ऐसा है ना पहले तो ऐसा नहीं होता थी है ना जाके पहले एडवांस जाके बुक करा बुकिंग करा होता था चलो चले हेलो जी वेलकम बैक तो गाइस हम लोग देखने आए हैं अपने लिए मेरे लिए हमारे लिए मैटरनिटी रूम तो ये पहले बुक करवाना होता है एक्चुअली मैं एक दो महीने पहले बुक कराना होता है तो ये है कौन सा रूम है ये इनका सुपीरियर रूम है हाँ। और सही है काफी अच्छा है ये यहाँ पे रिक्लाइनर की फैसिलिटी दे रहे हैं इसमें सुपीरियर रूम में और सामने वो सोफा कम बेड है वो भी खुल जाएगा ओपनेबल है और रात को इस पे बेडिंग हो जाती है तो यहाँ पे मतलब कि एक बंदा आराम से सो सकता है साथ में बहुत आराम से इट्स गुड बढ़िया है वेरी नाइस और नीट एंड क्लीन है बिल्कुल फैसिलिटी तो इनकी अच्छी है बट अब इससे बड़ा भी है हां जी सर स्वीट रूम है वो स्वीट रूम है अब वो देख लेते हैं चलो आ जाओ भैया भाई स्वीट रूम प्रेसिडेंशियल स्वीट इसको कहते हैं इन्होंने नाम रखा है प्रेसिडेंशियल स्वीट ये प्रेसिडेंशियल स्वीट है हमने आपको बाकी भी दिखाए होंगे ना प्रेसिडेंशियल वो होटल वाले ये वो वाला नहीं है ये होटल वाला नहीं है अच्छा और यहाँ पे भी रिक्लाइनर की फैसिलिटी है वो देखो सामने हाँ। और ये भी सोफा कम बेड है यहाँ पे भी बेडिंग लग जाती है वो वॉशरूम पे भी दिखा दो उनको वॉशरूम भी बड़ा है वॉशरूम भी अच्छा खासा बड़ा है मतलब स्पेशियस है कोई दिक्कत नहीं है मतलब देखो क्या एडवांस चीजें आ गई हैं कि लोग अब इन सब चीजों की भी बुकिंग पहले करवाते हैं अच्छा जस्ट व्हाट इज दैट अगर ये वॉशरूम है हाँ तो फिर ये क्या है
खोल के देख ले, मेरे ख्याल से सेकंड रूम का जॉइंट होगा, हो सकता है। हाँ वो कह रहे थे, मैं दिखाती हूँ, कह रही दिखाती हूँ। अच्छा ये वाला, ये भी खुल जाएगा? यस। तो आ भाई, ये वाला जो जिस रूम में खड़ा हो ना मैं, अगर यहाँ पे, यहाँ पे अगर आपका वीवी आएगा तो आपको देने पड़ेंगे 3,89,000 रुपीस। इतना महंगा बच्चा है यार, बहुत महंगा बच्चा है। बंद है वो? डोंट टेल मी कि तेरे को यही वाला चाहिए। इधर का बच्चा बहुत महंगा है यार, सॉरी। तो बालकनी का व्यू अच्छा नहीं है ना, तो बेटर तो सही नहीं है, व्यू अच्छा नहीं है इसका। अब वो खोल रहे हैं जो रूम एक साथ में अटैच्ड है उसको। ये लो जी, यहाँ से खुल गया, ये अटैच है इसके, इस रूम के साथ में। अगर आपके साथ कोई सेकंड पर्सन रह रहा है तो वो यहाँ पे बैठ सकता है या रेस्ट कर सकता है। मुझे पर इसकी वर्थ नहीं लगी 4 लाख। एग्जैक्टली, इससे बेटर वाला पहले वाला इज वेरी गुड। अच्छा, ये भी सोफा कम बेड है, तो सेकंड पर्सन भी यहाँ पे स्टे कर सकता है। मतलब टू अटेंडेंट्स स्टे कर सकते हैं, अटेंडेंट्स सिर्फ इस रूम में टू अटेंडेंट्स अलाउड है। हाँ। बाकी जो दो हमने पहले देखे हैं उसमें एक एक अटेंडेंट, इसमें एक इसमें रहेगा, एक इधर रहेगा। तो मेरे ख्याल से फिर बेटर तो फिर वही वाला है ना, 299 वाला, इससे पहले वाला जो हमने 3 लाख वाला। हाँ, वो ज्यादा बेटर लगा मेरे को। तो भाई देखते हैं, लेट्स सी कौन सा फाइनल करते हैं और आपको पता चल ही जाएगा। ये ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले बुकिंग करानी पड़ती है हर एक चीज़ की, पहले ही एडवांस चलते हैं। एडवांस राइट, ये ना था ना, राइट, ये आपको दिखाया तो मुझे यही सही लग रहा है। गाइस आप बताओ सही है ना। तो ये लो जी, हम होकर के आ गए हैं जी ला फेमे से भी, हैं जी। तो मोस्ट प्रोबेबली हमें ला फेमे थोड़ा सा बढ़िया लगा है, बट लेट मी शो यू कि उनके पैकेजेस क्या हैं। ये हमने सुपीरियर रूम देखा था, ये और पॉलिसी वाले रेट है। हाँ, ये पॉलिसी वाले रेट है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये पॉलिसी में अगर आप जाते हो, अगर आपकी पॉलिसी है तो ये आपको ये फॉलोइंग रेट्स पड़ेंगे। सुपीरियर रूम जो हमने आपको दिखाया है ये पड़ेगा 2,99,399, ये अब हाँ जो हमें समझ में आया है। और ये है नॉर्मल डिलीवरी के रेट। अगर आप यही, अगर आपका सिजेरियन, मतलब अगर आप सिजेरियन उस पर जाते हो तो ये आपको पड़ेगा 3,35,899। तो सही है ये वाला, अभी जो हमें रूम पसंद आया है। और इसके अलावा अगर आप नॉर्मल कैश में जाते हो तो उसके रेट्स अलग है, मैं आपको वो भी दिखाती हूँ। ये लो जी, ये रहे इनके कैश के रेट्स, ये हैं जी, ये रहा सुपीरियर रूम हमें समझ में आया था ना, ये रहे जी 3,42,000 इनके कैश के रेट्स हैं, जो कि आप नॉर्मल डिलीवरी में लेते हो या सिजेरियन में लेते हो सेम होते हैं ये। और बाकी ये इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स जैसे मैंने आपको अपोलो वाले हॉस्पिटल में दिखाए थे वैसे ही इनके हैं। और ड्रग्स एंड कंज्यूमेबल्स कुछ इंक्लूडेड हैं और कुछ नहीं इंक्लूडेड, बट या ओवरऑल हमें इनका रूम थोड़ा बेटर लगा, है ना जसप्रीत? तो बड़ा है, स्पेशियस है, रिक्लाइनर पड़ा हुआ था, राइट, बहुत सारी चीज़ें थी, रूम बहुत बड़ा था। हाँ राइट, तो सही है। हाँ, तो फिर काम करते राइट, अकड़ बकड़ करते, अकड़ बकड़ नहीं तो मुझे पता है डिसाइडेड है ऑलमोस्ट हमारा। तो लेट्स फाइनल अप वो फोर्टिस ला फेमे, है ना, क्योंकि रूम अच्छा था, स्टाफ अच्छा है। हाँ, स्टाफ का तो चलो पता नहीं, बट रूम स्टाफ इसलिए अच्छा है हमारे को लगा क्योंकि एक दिन जो सुप्रीति एडमिट हुई थी हमने ला फेमे में ही करवाया था। राइट, ला फेमे में हम स्टे कर चुके हैं और उसका स्टाफ भी अच्छा है और वो हॉस्पिटल थोड़ा सा खाली है, मतलब खाली क्या है, भीड़ नहीं है, भीड़ नहीं है बेसिकली, और फैसिलिटीज अच्छी हैं। अपोलो का तो भरा हुआ था, फैसिलिटीज अच्छी हैं, यू नो अपोलो भरा हुआ था। हाँ, अपोलो जब हम गए थे तो वो ओवर क्राउडेड लगा हमें, बट सही है। लेट्स सी, तो एक काम करते, खाना वाना खाते और बुकिंग करवाते। मेरे ख्याल से 12,000 बोला था। हाँ, वो तो ऑनलाइन हमने बोला था, हम ऑनलाइन बुकिंग करा देंगे। तो 12,000 देख के तो हम आ गए हैं और हमारा अब ऑलमोस्ट डिसाइडेड है कि हम 99.9% लाफे में ही करवा रहे हैं, फोर्टिस लाफे में हम बुक करवा रहे हैं। राइट, ये फाइनल है। राइट, और कोशिश करके मैं दोबारा से आपको रूम दिखाऊंगा बढ़िया डिटेल में जब हम दोबारा जाएंगे बुकिंग करवाने के लिए। ठीक है,